अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में घंटी तो दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलना। हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्नोलॉजी हेस। और आज की टेक्नो शुरू करते हैं। एक्चुअली आज मेरा एग्जाम मैं जल्दी निकल गया और पेपर बिल्कुल मत पूछो कैसा गया। मैंने सोचा कि एक दिन टेक्नो स्ट्रीम तो आज कैसे भी करके आप लोगों को टेक्नो मुझे देना ही है और यहाँ पे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, मेरी हालत को आप लोग इग्नोर करिए और टेक्नो जो स्टार्ट करते हैं। पहली खबर की बात करते हैं और आप लोगों को बता देते हैं कि ओप्पो ने अपना F3 स्मार्टफोन जो इंडिया के अंदर आज लॉन्च कर दिया है। और ये जो स्मार्टफोन है, इसकी जो इवेंट जो था वो मुंबई में हुआ था और मुझे बिल्कुल भी इनविटेशन नहीं आया और मुझे पता था कि नहीं आएगा क्योंकि वो लोग को पहले मैं जब गया था बहुत बुरा रिव्यू दिया था। यहाँ पर ओप्पो ने अपना F3 स्मार्टफोन लॉन्च किया है, 20,000 रुपीज़ की प्राइस रखी है और इसके अंदर आपको मीडिया टेक का MT6750 का प्रोसेसर मिलता है। इनके इवेंट की सबसे बुरी बात ये होती है कि ये जो भी चीज़ उसमें वीक होती है इसके फ़ोन में, ये वो चीज़ को कभी भी हाईलाइट नहीं करते। ये प्रोसेसर दिखाते हैं तो सिर्फ ऑक्टाकोर बोलते हैं लेकिन बताते नहीं कि कौन सा प्रोसेसर है इसमें आप जो दे रहे हैं। अब यहाँ पे सेल्फी सेंट्रिक स्मार्टफोन है, सेल्फी सेंट्रिक का टैगलाइन लगा कि आप 20,000 रुपये चार्ज करें क्योंकि जो सेल्फी लवर्स हैं वो मजबूरन ये फ़ोन ले लेते हैं क्योंकि उनको लगता है कि हाँ ये काफ़ी अच्छा है। क्योंकि अगर आप जब दुकान में जाते हो ओप्पो वीवो के दुकान में जाएगी फ़ोन खरीदने के लिए तो आपके सामने अगर आप शाओमी दिमाग में लेके जाएंगे ये आपके सामने ओप्पो आपको दे देंगे, तो ये प्रॉब्लम होती है। इन लोगों की ऐसी मार्केटिंग चल रही है। तो खैर जो भी ये बकवास फ़ोन है बिल्कुल भी इससे नज़दीक मत जाना, दूर रहना। 20,000 रुपये में मीडिया टेक का सड़ा हुआ प्रोसेसर है, आपके पास बहुत सारे अदर ऑप्शन भी जो आपको मिल जाते हैं। और यहाँ पे आप लोगों को एक और खबर भी बता देता हूँ कि SRT स्मार्टफोन जो वो लॉन्च हुआ है और इसके इवेंट में भी मैं कल गया था, तो मैं एक ही चीज़ कहता हूँ कि ये पहला ऐसा फोन है जो अगर आपके सामने Xiaomi Redmi Note 4 या कोई ऐसे चाइनीज स्मार्टफोन रखता है तो हम हमारे SRT फोन को निकाल के वहाँ पे रख सकते हैं कि जी हाँ, अगर आपको ये 12-13,000 रुपये में मिलता है तो ये भी एक ऐसा फोन है जो आपको 12-13,000 रुपये में देता है और प्राउडली उसके अंदर आप देखेंगे तो मेड इन इंडिया लिखा हुआ है, जो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही अच्छी चीज़ है। ये एक स्टार्टअप कंपनी है और इतनी अच्छी कंपनी है कि मैंने इन लोगों से बात किया तो ये इतने इनोवेटिव लोग हैं जो बोलते हैं कि हम अभी इसमें इंप्रूवमेंट लाएंगे। ये स्टार्टअप कंपनी, हमने इसको अभी शुरू किया, आप लोगों की फीडबैक चाहिए और सचिन तेंदुलकर इसमें पीछे लगे, इनका इन्वेस्टमेंट है तो हमें टोटली रिस्पेक्ट करना चाहिए क्योंकि चाइनीज फोन यार मार्केट में बहुत है। हम सभी लोग चाइनीज फोन पसंद करते होंगे लेकिन यहाँ पे इंडियन कंपनी है जो इंटेक्स माइक्रोमैक्स लावा के अलावा भी हमारे हाथ में कुछ ऐसे इंडियन फोन है जो हम प्राउडली हाथ में उठा सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ चीजें इसमें कमियां भी है जिसका एक फुल रिव्यू मैं दूंगा, आप लोगों को बता ही दूंगा, आप जैसे कि हम अनबायस रिव्यूअर्स हैं, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव पॉइंट्स ये कि इसकी प्राइस अच्छी है और दूसरे फोन के सामने इसको उठा के दिखा सकते हैं। मेरा तो मानना यही है, मुझे तो काफी अच्छा लगा, तो वी फील प्राउड टू बी इंडियन। तो नोकिया की तरफ से खबर आ रही है और आप लोगों को बता रहे थे कि नोकिया 6 HMD का ये पहला नोकिया एंड्रॉइड ऑपरेटिंग स्मार्टफोन जो JD.com के जरिए लॉन्च हुआ था और यहाँ पे ये फोन के यहाँ पे कुछ नए वेरिएंट जो है वो ऑनलाइन लीक्ड हुए हैं जो कि एंड्रॉइड हेडलाइन ने स्पॉट किया है, जिसके अंदर बताया जा रहा है कि नोकिया 6 के अंदर 4GB रैम और 64GB वाला वेरिएंट भी बहुत जल्दी आने वाला है जो कि £229 के ऊपर लीक्ड हुआ है, जिसकी प्राइस अगर इंडियन में कन्वर्ट करते हैं तो 19,000 रुपीज़ की हो रही है। नोकिया 6 लगभग से बताया जा रहा है कि 16,000 रुपीज़ के आसपास होगा जो इंडिया में भी आने वाला है और एक और वेरिएंट है 4GB रैम और 64GB वाला वेरिएंट, ये भी इंडिया में आ सकता है। तो अगर आपको चाहिए 4GB रैम 64GB वाला वेरिएंट नोकिया के स्मार्टफोन्स में, तो आप ये वाला फोन अगर इंडिया में लॉन्च होगा तो आप इसको जाके भी जो वो खरीद सकते हैं। साथ में एक और खबर जो वो नोकिया की तरफ से आ रही है और आप लोगों को बता रहे तो कि नोकिया के प्रीवियसली काफी सारे फोन लॉन्च हुए, अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि नोकिया 8 और नोकिया 9 भी आने वाला है जिसके बारे में बहुत सारे रूमर्स आ रहे थे। अब नोकिया 8 की कुछ स्पेसिफिकेशन यहाँ पे डिटेल आई है जिसके अंदर स्नैपड्रैगन 835 का प्रोसेसर मिलेगा और साथ में हमें जो हाई रेजोल्यूशन का कैमरा मिलेगा यानी कि कार्ल ज़ीस का उनका जो कैमरा होगा जो कि 23 MP का होगा, साथ में डुअल ऑडियो स्पीकर्स देखने को मिलेंगे। तो इस तरीके के कुछ फीचर के साथ में नोकिया 8 आएगा, ये रूमर्स है लेकिन जुलाई में ये फोन नोकिया अनाउंस करेगा जो इंडिया में जब अपने नोकिया के सारे फोन लॉन्च होंगे उसके बाद ये फोन जो वहाँ पे अनाउंस होंगे फिर हमें पता चलेगा कि नोकिया 8 और नोकिया 9 जो है हमारे लिए क्या लेके आए। वीडियोकॉन ने अपना एक स्मार्टफोन जो है इंडिया के अंदर कुछ दिन पहले जो वो लॉन्च किया था और ये आप लोगों को शायद पता ही चल जाएगा लेकिन मैं अपनी ओपिनियन इस पर देना चाहता हूँ। यहाँ पे 7,200 रुपीज की इसकी प्राइस रखी है जो कि आपको एंड्रॉइड 7 आउट ऑफ द बॉक्स मिलता है और यहाँ पे ये फोन में कुछ उनके एडिशनल फीचर्स आपको मिलती है जो कि वर्थ वॉचिंग नहीं है। क्रिप्टन 22 इस फोन का नाम है। 5 इंच की आपको FWVGA की डिस्प्ले मिलती है, आप 7,200 रुपीस FWVGA की डिस्प्ले के लिए पे कर रहे हैं। जब आप 5 इंच की स्क्रीन दे रहे हैं तो लोग एटलीस्ट उसमें मूवीज वगैरह अच्छी क्वालिटी की देख सकते हैं। HD डिस्प्ले आप दे रहे थे वो भी मिनिमम होता था लेकिन आप FWVGA की डिस्प्ले दे रहे हो 5 इंच की 7,200 रुपीस चार्ज कर रहे हो तो ये क्या कर रहे हो मुझे बिल्कुल भी नहीं पता। खैर जो भी, ज्यादा स्पेसिफिकेशन सुनने की जरूरत नहीं है, सबसे पहली चीज इसमें इतनी बुरी है तो मैं आगे आप लोगों को क्या बताऊं। तो एप्पल की तरफ से खबर आ रही है और आप लोगों को बता रहे तो कि एप्पल के CEO टिम कुक ने यहां पे अपनी एक ऑफिशियल स्टेटमेंट दी है रिगार्डिंग एप्पल के सेल पे, जहां पे उन्होंने बताया कि एप्पल की जो सेल है वो अभी जो वो स्टॉप हो रही है, रुक रही है, यानी कि उनको काफी घाटा हो रहा है, लोग अब जो वो नए आईफोन्स खरीदना बंद कर रहे हैं। वो इसलिए उन्होंने वजह भी बता दी है कि जो अपकमिंग आईफोन्स आ रहे हैं, आईफोन 7S प्लस और आईफोन 8 जो आ रहा है, इस वजह से लोग जो वो वेट कर रहे हैं और उनको
अपना हैंड्स ऑन उसी फोन पे जमाना है। तो ये जो रीजन उन्होंने बताया वो लीकर्स लोग को बोला है जो लीक करते हैं ये सारी खबरें, इस वजह से उन्होंने कहा है कि आईफोन के जो अभी के आईफोन मार्केट में पड़े हैं इनके ऊपर जो वो सेल ज्यादा नहीं हो रहे, तो लोग वेट कर रहे हैं ऑब्वियसली कि हमें नया आईफोन देखना है कैसा होगा, तो हम क्यों इसमें इतना पैसा स्पेंड करें, क्यों ना ये पैसे से हम वही फोन क्यों ना ले लें। सैमसंग की तरफ से खबर आ रही है और आप लोगों को बता रहे तो कि सैमसंग के नए सी सीरीज के स्मार्टफोन जो वो आने वाले हैं, जिसके अंदर सैमसंग बताया जा रहा है ऐसा इस फोन में कि पहला सैमसंग का ऐसा फोन होगा ये जिसके अंदर हमें डुअल कैमरा जो वो देखने को मिलेगा। जी हाँ, सैमसंग के कोई भी फोन में अभी तक हमें जो वो डुअल कैमरास देखने को नहीं मिले, आपको शायद से नहीं पता होगा सैमसंग S8 भी लॉन्च हुआ था लेकिन उसमें भी हमें डुअल कैमरास देखने को नहीं मिलते। रिसेंटली जो पिक्चर लीक्ड हुई थी जिसमें डुअल कैमरास बताया जा रहा था, वो रूमर था कि सैमसंग गैलेक्सी नोट 8 हो सकता है। यहाँ पे अब जो वो कुछ स्केचेस सामने आए जो आप जैसे कि देख सकते हैं, यहाँ पे ये जो स्केचेस है ये बताया जा रहा है कि सैमसंग के नए सी सीरीज के स्मार्टफोन्स आएंगे जो कि डुअल कैमरास के साथ में देखने को मिलेंगे, जो कि बजट कैटेगरी के स्मार्टफोन्स होंगे। तो अब देखते हैं कि सैमसंग कुछ डुअल कैमरास पे भी काम कर रहा है, हो सकता है इससे पहले नोट 8 आ जाए उसके अंदर भी शायद हमें डुअल कैमरा जो वो देखने को मिल सकता है। तो स्नैपड्रैगन 660 फाइनली बताया जा रहा है कि ये जो प्रोसेसर है इसकी लॉन्च डेट जो वो बताया जा रही है May 9 को जो वो ऑफिशियल होने वाली है। काफी प्रीवियसली हम बहुत वेट करते थे कि स्नैपड्रैगन 660 के साथ में कौन से फोन आ रहे हैं, यहाँ पे बताया जा रहा है कि May 9 को ये पहले प्रोसेसर लॉन्च होगा, उसके बाद में मिड रेंज स्मार्टफोन में ये जो वो प्रोसेसर यूज किया जाएगा। यहाँ पे ये जो प्रोसेसर है काफी अच्छा है, आपको ऑक्टाकोर का प्रोसेसर मिलेगा जो कि 4 कॉर्टेक्स A73 के आपको जो 2.2 गीगाहर्ट्ज़ पे क्लॉक्ड होंगे, उसके बाद 4 कॉर्टेक्स A53 के आपको 1.9 गीगाहर्ट्ज़ पे क्लॉक्ड होंगे। यहाँ पे आपको X10LTE का मॉडेम इसमें सपोर्ट होगा, क्विक चार्ज 4 आपको मिलेगा, साथ में UFS 2.1 की स्टोरेज होगी और आपको LPDDR4 की जो वो रैम होगी जो कि 1866 MS पे जो वो चलेगा। तो मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छी चीज है, ये काफी अच्छा प्रोसेसर होगा। Mi Max 2 बताया जा रहा है कि इसके साथ में आएगा और बहुत सारे अपकमिंग फोन हमें मिड रेंज वाले इसके अंदर जो वो इस प्रोसेसर के साथ में देखने को मिल सकते हैं। तो Uber ने अपना एक नया अपडेट लाया है अपने Uber की एप्लीकेशन में, अगर आप Uber एप्लीकेशन यूज करते हो तो ये अपडेट ऑलरेडी UK, US और कनाडा में आ चुका था। Uber करेक्शन के नाम से ये अपडेट है। यूजुअली क्या होता है कि अगर आप कोई भी कैब को बुक करते हैं, अपने लोकेशन देते हैं पिकअप लोकेशन, बार बार क्या होता है कि जो कैब वाला है वो कहीं हमारी प्रॉपर लोकेशन पर नहीं आता और अपनी कैब को दूसरी जगह पर लेके चला जाता है, हमें बार बार उसे कॉल करके बताना पड़ता है कि भाई हम यहाँ पे खड़े हैं यहाँ पे आ जाओ। लेकिन यहाँ पे इस अपडेट में आप क्या कर सकते हैं कि आपको वहाँ पे जैसे ही कैब ड्राइवर आपके लोकेशन से दूर चला जाता है तो आप वहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा, आप उस पर क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली वो उसको डायरेक्शन दे देगा, जिस पोजीशन पे आप खड़े हैं उस पोजीशन पे आपको जो वो आके पिक करेगा। तो ये अपडेट बहुत ही अच्छा है, बार बार ऐसा होता है और काफ़ी सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा। तो अगर आप जाइए Uber के एप्लीकेशन को अपडेट करिए और उसके बाद से शायद से आपको पिकअप में जो वो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो Xiaomi ने अपनी एक नई सर्विस जो वो इंडिया के अंदर लॉन्च किया है और ये जो नई सर्विस है आप लोगों को बता रहे तो कि अगर आपके घर में अगर आप इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं जो टोटली वेस्ट है, आपके काम में नहीं है, पावर बैंक्स हो, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स आप यूज कर रहे हैं जो कि हालांकि एक अच्छी गुड कंडीशन में एकदम से गंदा भी नहीं हो, यहाँ पे Xiaomi ने कहा है कि आप ये सारे प्रोडक्ट्स Xiaomi को दे सकते हैं और उसके बदले Xiaomi आपको कुछ डिस्काउंट कूपन्स देगा जो कि 100 रुपीज से स्टार्ट होके, और ये जो आपको कहीं पे भी Xiaomi के अगर प्रोडक्ट्स आप खरीदते तो आपको जो वो काम आ जाएंगे। इसके लिए आपको जो एक अपना मी अकाउंट होना बहुत जरूरी है, उसके बाद आप उसके जा सकते हैं उनकी वेबसाइट पे, एक फॉर्म होगा आप उसको फिलअप कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट्स की डिटेल दे सकते हैं कि कौन सा वो प्रोडक्ट है, अगर आप फोन यूज करें तो आपको उसको फॉर्मेट करना जरूरी है और फिर आपके घर में एक पर्सन आएगा आपको उसको हैंड ओवर करना है और फाइनली आप ये प्रोडक्ट्स को सक्सेसफुली आप इसको दे देंगे। फिर Xiaomi उससे कुछ रिसाइकलिंग चीज करेगा जो Xiaomi को कुछ भी फायदा होगा, आपको कुछ डिस्काउंट कूपन्स मिलेगा। तो ये अच्छा है बुरा है मुझे कुछ नहीं पता, फिर भी अगर आपको फेंकना है उससे अच्छा आपको कुछ डिस्काउंट कूपन्स मिल रहे तो आप ये वाला भी जो Xiaomi का सर्विस उठा सकते हैं। तो आज की टेक न्यूज यही खत्म होती है, उम्मीद करता आपको आज की टेक न्यूज पसंद आएगी, अगर आपको पसंद आती तो जरूर से इस वीडियो को लाइक करिए, मैं ऐसे ही आप लोगों के लिए डेली टेक न्यूज लाता रहूंगा और आप लोगों को ऐसे ही अपडेट करता रहूंगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ, टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।